वो इंतजार करके पाया दूसरे का हाथ ऐसे दे रहा था, मेरे और मेरा गुरुकुल चलाएंगे, मेरा आश्रम चलाएंगे। गुरुकुल वो है जो दूसरे को दे रहा है। सर जी गड्डी खोलो, मान गुरु का तुम ले जा, तेरा लक्षण मेरे नहीं बैठा हूं, मेरा गुरुकुल ले ले। माफ करना गर्व और घमंड से नहीं कह रहा हूं, आज का दिन आज के डेट में इसका आवश्यकता है, बहुत आवश्यक, क्योंकि जहां जहां दान का धन गए हैं, बताओ पाप का धन है या पुण्य के धन गए, बताओ ना, पाप के धन गए ना, तो पाप के धन का गंदा फल जो गुरुकुल और गौशाला है वो फले फूलेंगे या नाश हो जाएंगे, बताओ, बस वो पाप का भिंडोला होकर बैठेगा और उसमें सांप होकर बैठेगा, कौन करना चाहते मैं देखो 1.5 करोड़ रुपए पड़े ना हमने नौकर गुरुकुल में, मैं वहां चाहिए था बोला भागो ना, वो सारे नोच रहे हर गुरुकुल ऐसे ही मैक्सिमम गुरुकुल नहीं चल रहा, मैं और कौन सा चीज पढ़ा चलो। तो गुरुकुल अब बताओ वो हत्या हो गई ना, हजार बच्चे अगर किसी गुरुकुल में आस्था शस्त्र धारक बन जाए तो माए का लाल किसी का दम है कि अपना एक भी गाय बाजार में ले ले और कौन क्या करे, चांस नहीं, बच्चे ही गौ संभाल लेते, ये बच्चे गांव गांव घूमेंगे, किसानों को समझाएंगे, खेती करके दिखाएंगे, ये बच्चे गांव गांव में अपने प्राकृतिक चिकित्सा खोल के रखेंगे। अब बोलोगे महाराज ये राजनीति वाले को क्या करोगे, अरे जिस गुरुकुल में हजार बच्चे वाले गुरुकुल हो जाए और इलेक्शन के टाइम में हजार बच्चे कैंपेन करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, आज तो क्या मेरे साथ आए थे चार पांच आदमी पीछे नहीं आए थे या 10 आदमी आए हैं और गुरुकुल खुले और MLA MP के हमारे जो बच्चे ऐसे ऐसे बच्चों से सिलेक्शन हो, इस समय चार बच्चे लेके आए हैं तो 150 बच्चे से सिलेक्शन करके लाया कि चार बच्चे जो गा सकते बजा सकते इनको पहले स्टेज का भय जो है स्टेज फोबिया वो घटे इसलिए मैंने बोले। फिर दोनों को लेकर आए भाई आप मिल कर, तो ऐसे उनमें से जो सिलेक्टेड आदमी है वो हमारा MP MLA बनेगा और ऐसा ऐसा गुरुकुल हर डिस्ट्रिक्ट में हर इलेक्शन लेवल में जब बनेगा वो पार्लियामेंट में और भुवनेश्वर में कौन बच्चे बैठे रहेंगे, चोर जमा टू जी स्पेक्ट्रम वाले चार दुकाने वाले हमारे गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं। आपको बोलेंगे तो कि ये जो प्रोजेक्ट है सर आपको लगता होगा जो गुरुकुल प्रोजेक्ट बताने हो ना सर, ये करीबन 50-100 साल का प्रोजेक्ट है, पता नहीं आएगा 2-2.5-3-4 साल के अंदर ही हो जाने वाले, एक मॉडल गुरुकुल होना चाहिए बस एक मॉडल गुरुकुल। पर कैसे, तो देखो अगर एक गुरुकुल में 1000 बच्चे खड़े हो जाए और ज्यादा नहीं 1 साल का ट्रेनिंग, ये बच्चे देख लो ना 3 महीने का कुछ देर आपके सामने बैठा 3 महीने का ट्रेनिंग में आए, 3 महीने में यहां तक आज परफॉर्मेंस दे और बाकी क्या करते हैं अब मैं बताऊं, एक गुरुकुल में 1000 बच्चे 1 साल का ट्रेनिंग पा जाए ना मजबूती का, 3 बजे उठना, योग करना, कराटे करना, कुंग फू करना, लाठी चलाना, भजन चलाना, घरों पर चलाना, रनिंग करना, व्यायाम करना, कुश्ती करना, खेती करना, घर बनाना, सब ट्रेनिंग पा और 1-2 साल में महीना में 5000 रुपए कमाना सीख जाए, मेरे बाप मेरे मां समझदार को सारा काम किया। दूसरा गुरुकुल कितना घंटा नहीं बोलेगा बताओ, 1000 बच्चे फावड़ा पकड़ ले, 1000 बच्चे फावड़ा पूरी पकड़ ले, दूसरा गुरुकुल कितना घंटा में खड़ा हो जाएगा, गुरु आदेश देगा ऑर्डर बेटा 24 घंटे में गुरुकुल रेडी, मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर कमांडो टाइप रनिंग, खड़ा हो जाएगा कुआं खोल देंगे घर बना लेंगे और घर घर जाकर बताएंगे देख मां बाप अपने बेटा को भेजते हो ना जितने पढ़ा सकते बेटा स्कूल में, देखो हमारे लाख में लाख पैसा भी कमाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, नहीं तो ये खाली जो नाम के गुरुकुल है मंत्र तंत्र पढ़ा के कर्मकांडी ब्राह्मण बना देंगे और यार साफ साफ करते रहेगा भीख मांगते रहेगा दक्षिणा मांगते रहेगा। तो दूसरा गुरुकुल तो यूं गुरुकुल जाने वाला है, बस टारगेट ये है कि एक गुरुकुल मॉडर्न प्रोजेक्ट पावरफुल खुल जाए, बस उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना होगा, फिर देश में चमत्कार अपने आप
शक्ति को सब कोई भक्ति करते हैं साहब। आप बोलते हो यार इस भारतवर्ष में हिंदुओं का समस्या क्यों समाधान नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि गुरुकुल नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु के नाम पे कान फूंक फूंक के आज जो कंपनी लोग खुले हैं, आप धना क्यों हो नाम लेने के लिए? इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। समस्या एयरटेल बीएसएनएल जैसी कंपनी है ना, ये गुरु लोग भी सब कंपनी खोल दिया है। और ये जाके बोला कि सब चाहिए, दोनों चेले भिड़ पड़े, पहला सब गर्व मैं दूंगा, पहला गर्व मैं दूंगा, और नॉट मैं ये दूंगा।
तो ये देश में बारूणी गुरु तेज बहादुर और यहां एक लंबे हुआ मांगा तो नहीं पूछा क्यों देंगे बोला क्या हट ये लो इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में आखिरी श्लोक में लिखी गया प्रयोग है कृष्ण के प्रपात बनोदल गुरु शिष्य परंपरा को खड़ा करो गुरु चेला परंपरा नहीं कान फूकवाने का परंपरा नहीं फोटो पूजा करने का परंपरा नहीं मैं बोलता हूं मेरा गुरु माता भगवान है मेरा गुरु भगवान है तेरा तो तथा कथित धर्मशास्त्री तू अपना गाय का गोबर पर लगा सकते हो गाय का गोबर पी सकते हो गोमूत्र पी सकते हो मेरा भी ये शरीरधारी तथा कथित ठग राम गुरु महाराज लाखों गोबर थोड़ा उसका टट्टी थोड़ा लाज लगा इतना ही बना देता हूं थोड़ा कम का मूत्र पी के दिखा मर नहीं जाएगा तो मेरा गौ गुरु गौ भगवान और गुरु बनाना है उसे ही मैं गुरु कहूंगा जो इस देश के हर समस्या को समाधान करने का ताकत रखता है इस देश आखिरी में पूछ सकते हैं समय के अभाव के हेतु में आखिरी विषय पे चलो
लव जिहाद। मैं गुरुकुल में जितना बोला था बोल दिया, अगर आपको समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लव जिहाद से स्टार्ट करना। आपका कोई प्रश्न है गुरुकुल के बारे में पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आगे समय में हम लोग कहेंगे, न जाने के बाद आप पूछो फिर संभव नहीं। और जो जो ये पेपर नहीं किए हो जाने से पहले ले जाना, यहाँ मेरा फोन नंबर एड्रेस है, आईडी है, मांग के ले जाना, कुछ कम बचे बाकी तो भरा दिया। लव जिहाद किस ये के
बढ़िया लोगों का दुकान, बड़े बड़े हिंदुओं का दुकान के साथ क्या करें, आप क्या सुरक्षित हो? साइड में पुलिस भी खड़ा है, गांधी बाबू ने डिलीवरी दिया, ये सब जानते हैं। और उन हर माँ बाप
प्रकार के सरकारी स्कूल को एजुकेशन स्कूल नॉन मेडिकल वाले स्कूल में छोड़ रहे हो, ये बड़ा हो गया आपके साथ क्या करेगा, क्या दुर्व्यवहार करेगा, वो क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। और एक जो रुपया निकालते हो वो गौशाला कैसे, जो गौशाला खुल गए वो कैसे चलेगी। अशोक भाई कह गए अजय भाई, अशोक भाई और बाकी मिलकर के प्रयास से ये कथा यहाँ पर किया गया। मैं इनका सुबह गौशाला गया था, बहुत सारे तो आज मैंने उनके लिए चंदा नहीं मांग रहा, मैं कभी चंदा नहीं मांग, चंदा का धंधा है, धंधा इसके गले में पड़ता है, धंधा और धंधा पड़ जाता है, धंधा मैं इसे नहीं ज्यादा चंदा नहीं सकता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो 3 दिन में रहा, और हमारे गोल्डी 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 भाई, हाँ ड्राइवर ठीक है, बड़ी सेवा की। और देखो हमारा मन का इच्छा का पूरा करते हैं तो यार सर दुख में चल चल के इतना दूर से सारे वो भाई का काली मिर्च का फेर लेके आए, बहुत अच्छा लगा। अभी महाराज जी ने आप सब लोगों को गुरु लोगों के बारे में इतना बताए, आप लोग सीनियर सिटीजन में तो एडी मान में तो सीनियर ज्यादा करता हूँ हमेशा, और उसी में एक गुरु के अंदर कैसा क्वालिटी होना चाहिए, एक शिष्य के अंदर कैसा क्वालिटी होना चाहिए, एक राजा के लिए मैंने प्रतीक्षा करने के लिए